सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सेशन है, वो एक नॉर्मल सा सेशन है जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। रेड जो वर्डिंग है किचन एंड किचन लेआउट के ऊपर। सबसे पहले हम बात किचन एंड किचन लेआउट को करने से पहले आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर लिखा है स्टे सेफ एंड हेल्दी। इसका मैंने ये पोस्टर आज के क्यों लगाया है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस के हो चुके हैं COVID-19 के। तो प्लीज़ अपने घर पे सेफ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल मदन कुमार पे जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं किचन एंड किचन लेआउट का सेशन, जो बहुत ही ईजी टॉपिक है जो मैं आज कवर करने की सोच रहा था। तो स्पेशली आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही होगा कि व्हाट इज़ किचन, क्योंकि जब ये पूरी सीरीज शुरू हो ही चुकी है तो फिर जब आपका पहले आया इंट्रोडक्शन टू कुकरी, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन कुकरी के बाद आपका फिर आया आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग, फिर जब कुकिंग के से रिलेटेड चल रहा है तो फिर किचन भी इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठ के आता है। तो यही है व्हाट इज़ किचन, किचन है क्या एक्चुअल में। किचन इज़ अ रूम और अ पार्ट ऑफ अ रूम यूज फॉर कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन। किचन एक्चुअल में है क्या, ये एक रूम है या रूम का एक पार्ट है जो कि यूज़ किया जाता है हमारे कुकिंग के लिए और कोई भी डिशेज तैयार करने के लिए या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। किचन में क्या क्या चीज़ें जो इक्विप होती है, वो होती है हमारी गैस रेंजेस, सिंक उसमें है विद हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, और रेफ्रिजरेटर या वॉक इन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट इसमें जैसा आप देख रहे हैं द मेन फंक्शन इसके क्या होते हैं, ये स्टोर करता है, प्रिपेयर करता है चीज़ों को और फूड को क्या करता है, कुक करता है। और एक जो मेन इसका टास्क होता है अलग से, वो क्या में जितनी हमारी डिश वॉशिंग होती है वो भी हमारी किचन में ही होती है। तो चलिए फिर हम इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द किचन थी वो क्या थी और कैसे इसमें एवोल्यूशन आया या रेवोल्यूशन आया। ठीक है, अनटिल द 18th सेंचुरी फूड वॉज कुक्ड ओवर एन ओपन फायर। आपको पता ही है कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि कुकिंग से रिलेटेड, कि फर्स्ट टाइम जो फूड था वो कैसे कुक हुआ था। तो देखिए इसमें लिखा है कि 18वीं शताब्दी में, मतलब 18th सेंचुरी में फूड वॉज कुक्ड ओवर एन ओपन फायर। तो 18वीं शताब्दी में लोग क्या करते थे, ओपन फायर में फूड को कुक करते थे। तो क्या हुआ कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर थोड़े थोड़े चेंज आने शुरू हुए, आर्किटेक्चर ऑफ द किचन मतलब किचन को बनाने की आइडियाज़ आने लगे। फिर बाय द अर्ली 90s गैस कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड, मतलब 19वीं शताब्दी में लोगों के पास गैस और कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी थी। तो और उन्होंने क्या किया, क्लीन वाटर हैड बिकम प्रिवलेंट, जो साफ पानी था उसको ज़्यादा यूज़ करने लग गए कुकिंग में। और इसी टाइम क्या हुआ था, इट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम, इसी टाइम क्या हुआ था कि रेफ्रिजरेटर, बॉयलर और ओवन भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे अर्ली 90s में। फिर आगे मेन किचन लेआउट्स के टाइप में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं किचन के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 जो है वो डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है सिंगल वॉल कॉरिडोर लेआउट, और यू शेप, एल शेप, पैरेलल वॉल। एल, जैसे कि आपने यहाँ पे डायग्राम्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा एरो में आपको, कि एल शेप में होता है, यू में होता है, जी में होता है, सिंगल वॉल, गैलरी किचन, किचन आइसलैंड, ये बहुत सारे होते हैं पर मैंने यहाँ पे टिपिकली 4 यहाँ पे चूज़ किए हैं। ये वैसे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है जो IHM स्टूडेंट है उनके लिए। तो देखते हैं सिंगल वॉल में क्या होता है। सिंगल वॉल में क्या होता है कि आपकी एक दीवार के साथ पूरा का पूरा किचन आपका वो बना दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज रैक होगा, हमारे राइट हैंड साइड में स्टोरेज रैक होगा, बीच में सिंक होगी, बीच में आपका सिंक है और साइड में कुकिंग रेंजेस है। ठीक है, वैसे ही अगर आप, ये सिंगल वॉल था, फिर आप एल शेप में आए, एल शेप लेआउट में क्या है, पहले फ्रिज है यहाँ पे, फिर बीच में सिंक है और फिर साइड में क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो गैस रेंजेस है। फिर आपका यू शेप किचन में अगर हम लेआउट में हम देखें तो स्टार्टिंग में इन्होंने यू टाइप में बनाया है और ये फ्रिज दिखाया है सेंटर में आपको दिया है इसमें डिश वॉशिंग, और फिर इसके साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यू शेप में है ये, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये है गैस रेंजेस का। फिर पैरेलल गैलरी लेआउट में है,
फर्स्ट में फ्रिज है, फिर बीच सेंटर में आपका गैस रेंजेज है और साइड में डिश वॉशिंग है। फैक्टर टू कंसिडर वैन प्लानिंग द लेआउट ऑफ किचन, इसके जो फैक्टर है वो बहुत सारे हैं पर बेसिकली हम फोर जो फैक्टर है उनको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ये भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका फाइनल एग्जाम्स में आता है। बेसिकली इन चार पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुकिंग एरियाज, लेआउट ऑफ इक्विपमेंट, साइज ऑफ किचन, लोकेशन ऑफ द किचन, मतलब ये चार पॉइंट है जब आप किसी भी किचन को लेआउट तैयार करने की तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा कुकिंग एरिया कौन सा है, लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट, हम इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, हमारा जो किचन का साइज है वो कैसा है और हमारा जो लोकेशन है किचन का वो हमारे डाइनिंग एरिया के नज़दीक है और ईजी एक्सेसिबल एक्सेस टू आउटडोर्स है, क्योंकि हम जब भी गुड्स रिसीव करते हैं तो भी हमारा ईजिली हमारी जो आइटम्स है वो ईजिली हमारे किचन के अंदर पहुँच सके। तो ये हमारे जो मेन पॉइंट्स है जो यहाँ पे फोर टिपिकली मैंने फोर यहाँ पे ऐड किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। फिर है आपका इसका जो लेआउट है, बेसिक लेआउट किचन का जो लेआउट है, ये लेआउट पूरा आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप प्रिपेयर करें। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ये 282 पेज नंबर थ्योरी ऑफ कुकरी का मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा 282 थ्योरी ऑफ कुकरी वहाँ से ये मैंने पिक किया है। तो इसमें जैसे ये एक प्रॉपर एक किचन का लेआउट है, तो स्टार्टिंग में आप इस समय देखेंगे तो इसमें 2 एंट्री डोर्स है जो रेक्टेंगुलर में ब्लैक में दिख रहे हैं आपको, गुड्स एंट्री के लिए और एक जो हमारा डाइनिंग टेबल के लिए, 2 सर्वर के लिए। गुड्स एंट्री में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेज रैक है, फिर पिलर है, उसके बाद सिंक्स है, फिर वेज प्रिपरेशन, फिर देन सिंक्स, पॉट रैक्स जहाँ पे आप अपने बर्तन रखेंगे, फिर स्वीट प्रिपरेशन, डो ब्रेकर, मूवेबल सिट डाउन टेबल, फिर उसके बाद हम अगर अंदर जाते हैं इसके बॉक्स के अंदर तो बॉक्स में आपको 3 चीज़ें यहाँ पे 3 सामने दिख रही है बॉक्स, उसमें ओवन लिखा है, मोबाइल टेबल, स्टीमर, तो और एक्सेस स्पेस बीच में आपको दिखाई दे रहा है, फिर ग्रिलर है, स्टॉक पॉट है और पैन फ्रायर है फ्रायर के लिए, फिर लास्ट इधर मोबाइल टेबल है और यहाँ पर एंट्री है। तो ये एक प्रॉपर लेआउट है, ये आप अपने पेन या कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली मैंने पहले आपको बता दिया 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है HM स्टूडेंट के लिए, और अगर आप कोई और भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं फर्दर तो उसमें भी ये बहुत ही काम आता है। तो मुझे ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा शायद, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू, स्टे।